दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। आज मैं आप सभी को कृत्रिम गर्भाधान यानी AI कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन से हमारे पास चीज़ें ज़रूरी होती है, कौन कौन से औजार काम में आते हैं, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है, कैसे पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, हमें थाविंग कैसे करनी है, हमें गन लोड कैसे करनी है, ये सभी बातें मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। हमारे कई नए डॉक्टर कंपाउंडर भाई है जिन्होंने हमसे अनुरोध किया था कि सर AI करने का सही तरीका बताएं। तो साथियों, हॉस्पिटल में हमारे पास बहुत सी सुविधाएं होती है जिनको लेके हम काम करते हैं, लेकिन फील्ड में कैसे AI करें उसके ऊपर मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है। तो फील्ड में आप जब भी किसी पशुपालक के घर जाएंगे, आपके पास BA3 जार होगा, जैसा कि इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि ये BA3 जार है, यानी कि 3 लीटर का। इसमें LN2 जो आएगी वो 3 लीटर मात्रा में आएगी। LN2 का तापमान जो है वो माइनस यानी माइनस में 196 डिग्री होता है, ये आप सभी को पता है, यानी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। उसी गैस में हमारे सीमन जो है, जो स्ट्रो के रूप में रहते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। ये होता है इसका ढक्कन, ऊपर का अगर हम ढक्कन हटाएं और ढक्कन हटा करके इसको अगर देखें, देखो अंदर हमें गोबलेट की हल्की सी वो डंडियाँ दिख रही है, ये डंडियाँ हैं गोबलेट, जो मैं अभी आपको निकाल के बताऊंगा। ये अभी पहले खोलना सही नहीं रहेगा। तो AI करने के लिए हमें कौन कौन से सामग्री की ज़रूरत होगी, उसके लिए साथियों जो पहला है वो है AI जार, मैंने बता ही दिया। उसके बाद हमारे पास ये एक गन कंटेनर है जिसके अंदर हम गन रखते हैं, सीत रखते हैं, थर्मामीटर उसके अंदर रखते हैं। ये जो अभी भाई के हाथ में है, ये है गन, इसे हम AI गन बोलते हैं। इसके पीछे ये पिस्टन होता है और ये पूरी गन इस प्रकार से होती है, ये है गन। इसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है वो है साथियों सीत। सीत एक प्लास्टिक की नली होती है, जो नली एकदम से देखिए पूरी तरीके से स्टरलाइज करके और कवर्ड की हुई होती है, यानी उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा हुआ होता है इस प्रकार से। ये तो अगला सामग्री है, वो है थर्मामीटर। ये हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सभी दोस्तों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो थर्मामीटर आप AI करते समय तापमान नापने के काम में लेते हैं, वो थर्मामीटर आप कभी भी पशु का तापमान नापने के लिए काम में ना लें, या काम में ले भी लेते हैं तो वापस उसे AI के लिए यूज़ ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि उससे जो टेम्परेचर है वो सही नहीं आएगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद आते हैं साथियों, ये है हमारे पास स्लीव्स। इसके बीच में भाई ने बताई थी वो थी एक्स्ट्रा होल्डिंग फोर्सेप। अभी जो है ये बता रहे हैं ये ब्लेड। हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कटर भी यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में, जबकि बाहर फील्ड में आप ब्लेड भी यूज़ कर सकते हैं। कई भाई कैंची भी यूज़ करते हैं, लेकिन कैंची के बजाय ब्लेड अच्छी रहती है, क्योंकि इससे जो हम अभी एक्स्ट्रा काटेंगे वो बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रो एकदम से सही कटेगी। ये देख लिए, देखिए हमने दो प्रकार के बर्तन रखवा दिए हैं, एक में ठंडा पानी है, एक में गर्म पानी है। दो हमारे पास खाली बर्तन है, एक कटोरी में तेल भी हमने रखवा लिया है। अब पहले भाई ने गर्म पानी निकाला है भगोने में से एक्स्ट्रा और उसे अलग रख दिया है ताकि वो इमरजेंसी में काम आए। कई बार क्या होता है, जब हम वापस ठंडा कर रहे होते हैं इसको तापमान मिलाने के लिए, तो अगर ज़्यादा ठंडा हो जाए तो एक्स्ट्रा पानी आप कहाँ से लाएंगे गर्म पानी, तो इसके लिए आप एक्स्ट्रा रख दें। अब इसको हम थाविंग के लिए टेम्परेचर सेट करेंगे। अब इसमें अच्छी तरीके से हम चेक कर लेंगे कि जितना हमें टेम्परेचर चाहिए उतना हमें लेना है। अब पहले अंदाज से कर लेंगे, उसके बाद थर्मामीटर लगा देंगे। हमें अगर गाय की हम AI कर रहे हैं तो 99 के आसपास हमें टेम्परेचर ज़रूरत होगी, और अगर हम भैंस की कर रहे हैं तो मैं 100 के आसपास टेम्परेचर रखता हूँ। तो यहाँ पे हम जो AI कर रहे हैं वो गाय की कर रहे हैं, तो यानी कि 99 के आसपास हम टेम्परेचर इसका रखेंगे। ये इस प्रकार से पानी को हमने सेट किया है, इसके बाद थर्मामीटर निकालेंगे और चेक कर लेंगे। अगर भाई तो ज़्यादा रहा टेम्परेचर तो हम ठंडा पानी डाल देंगे, और अगर कम रहा तो गर्म पानी डाल देंगे। ये दोनों सुविधाएं हमारे पास होनी चाहिए।
ये देखिए आराम से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि थविंग की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई भाई थर्मामीटर नहीं रखते हैं, यूं ही अंगुली दे करके कह देते हैं हाँ सही टेम्परेचर डाल दो, तो वो एक्चुअली सही नहीं है। सही अगर आपको मेथड फॉलो करना है, सही एआई करनी है, रिजल्ट लेना है, तो आपको पानी का टेम्परेचर देखना ही होगा और थविंग की जो प्रक्रिया है उसे सुचारू रूप से करना होगा। अभी हम जब ये टेम्परेचर देखने के बाद इसमें स्ट्रो डालेंगे, तो स्ट्रो को आप 40 सेकंड से लेकर के और 2 मिनट तक आप इसमें रख सकते हैं, लेकिन जो सही टाइम होता है वो 1 मिनट का होता है। आप बस फिक्स 1 मिनट निश्चित टेम्परेचर में 99 या 100 में 1 मिनट स्ट्रो को रख देंगे, तो इतने में उसमें अंदर जो स्पर्म है वो स्पर्म एक्टिवेट हो जाएंगे। ये देखिए थर्मामीटर से थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन ये अब टेम्परेचर सही आ गया है, बिल्कुल अब बिल्कुल टेम्परेचर सही आ गया है। तो अब हम इसमें स्ट्रो डालेंगे, तो स्ट्रो निकालने के लिए पहले ढक्कन खोल दिया। अब ये आपको गोबलेट दिख रहे हैं आराम से, इसमें हमने स्ट्रो होल्डिंग फोर्सेप डाली जो भी हमारे पास उपलब्ध थी, ये डाल करके हम इसमें से निकाल दिया, एक स्ट्रो हमने निकाल ली। बिल्कुल देखो इस प्रकार से स्ट्रो निकलती है। अब इसे हमें तुरंत पानी में नहीं डालना है, पहले थोड़ा सा इसके ऊपर से LN2 हटा देंगे जो जमी हुई है। कई बार इसमें पीछे का जो सिरा है उसमें भी LN2 रहती है, तो थोड़ा सा झटका भी लगा देंगे ताकि वो LN2 पूरी निकल जाए, उसके बाद हम पानी में डाल देंगे। अब लेते हैं हम सीत को काम में, ये सीत इस प्रकार से थोड़ा सा हम आगे से निकाल करके और इस प्रकार से तैयार करके रख लेंगे। पूरा कवर ऊपर का नहीं हटाना है, ये ध्यान रखें साथियों। पूरा कवर हटाने से क्या होता है कि कई प्रकार के जो इन्फेक्शन है वो सीत के साथ गाय के अंदर जा सकते हैं, तो पूरा कवर ना हटाएं, आधा कवर हटा करके और इसको कर लें। अब हमने गन उठाई है, गन अगर सर्दी का मौसम है तो इसे बॉडी टेम्परेचर तक गर्म कर लें, थोड़ा रबिंग कर लें। गर्मी का है तो आप विशेष कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर लगभग इतना ही रहेगा। अब देखिए इसमें 2 सिरे थे जिसमें 2 गुटके से आपको नज़र आए थे, वो अंदर डाल दिए हैं, और ऊपर से जो दूसरे वाला सिरा है जिसे हम फैक्ट्री सील कहते हैं, लेबोरेटरी सील में 2 वाइट गुटके रहते हैं जो हमने अंदर डाल दिए, और फैक्ट्री सील में चिपका हुआ रहता है जिसे हमें काटना होता है। ये देखिए एकदम से राउंड काटना है, ऐसा ना हो कि तिरछा कट जाए। अगर तिरछा कट गया तो सीमन जो है वो गन में सीत के साथ रह सकता है। एकदम से सीधा काट के थोड़ा सा इसको बाहर निकाल लिया स्ट्रो को। अब ये जो गुटका आपको अंदर दिख रहा है ग्रीन ग्रीन सा, उसके अंदर इसको फिट करेंगे अच्छी तरीके से। ये फिट हो गया। अब ये फिट होने के बाद इसको अंदर डाल करके लॉक कर देंगे, लॉक हो गई। ये हमारी गन जो है वो लोड हो गई है साथियों, एकदम से AI करने के लिए ये गन बिल्कुल तैयार है। पीछे से पिस्टन उसका बाहर निकला हुआ है और जो सीट कवर है वो हमने अभी तक इसके ऊपर ही रखा है, जब AI करेंगे उस समय इसको हटाएंगे। ये देखिए हमने स्लीव्स काम में ले लिया है, स्लीव्स हाथ में पहन लिया है, और अब हम AI की प्रक्रिया करेंगे। AI के लिए साथियों विशेष ध्यान रखें, पहले गोबर निकालना है, उसके बाद अगर पहले गोबर कर देती तो अच्छा है, नहीं तो निकालना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा आप हॉर्न को पकड़ करके, जो हॉर्न होते हैं अंदर उनको पकड़ करके थोड़ा सा दबाएं ताकि उसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो एक तांते के रूप में बाहर निकल जाएगा। कई बार जब वो गोबर के लिए जोर करती है तो उस समय निकल जाता है, लेकिन अगर ना निकले तो आप हाथ से भी ये निकाल सकते हैं। उसके बाद ये हमने चिकना कर लिया अपने हाथ को, और अब हम AI की प्रक्रिया करेंगे। थोड़ा सा टाइट करवा दिया है, पूंछ उधर पकड़वा दिया है, आराम से हमने गाय को पहले भी कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल कैसे करते हैं वो तरीका मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो में बताया है, अलग वीडियो में, वो आप देख लें, उसमें पता लग जाएगा कैसे कवर करनी है। ये हमने कवर कर दी। अब जो वल्वा वाला हिस्सा है उसके ऊपर के छेद से हम ये अंदर डालेंगे, ये अंदर डाल दिया, आराम से AI कर देंगे। अब अंदर जो भी प्रक्रियाएं करनी है वो मैं आपको अलग वीडियो में जानकारी दूंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा ज़्यादा हो जाएगा,
क्योंकि अलग भी कई ऐसी प्रक्रियाएं होती है जहां पे हमें कहां सीमन छोड़ा है, अंदर क्या क्रिया हुई है, आपको यहां वीडियो में नहीं नजर आ रहा है, लेकिन मैं एक ऐसा वीडियो जल्द आपके सामने लाऊंगा जिससे आपको ये पता लगेगा अंदर हमें क्या करना है। ये देखिए, ये इस्ट्रा निकाली, ये आपके सॉरी सीत, और सीत निकालने के बाद इसे थोड़ा सा सूंघा दिया, ये पूरी प्रक्रिया जो है वो AI की हो गई है।